नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत धार महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर गंधवानी पहुंची और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित जल संसद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही प्रधानमंत्री के मिशन को सफल बनाने की अपील की। गंधवानी नगर में गंधर्व नदी पर श्रमदान करते हुए उन्होंने शुद्धिकरण का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद ने ग्राम पंचायत व राजस्व विभाग के द्वारा तैयार किए गए आबादी क्षेत्र में लोगों को शासकीय पट्टों का वितरण किया। साथ ही गंधवानी के सार्वजनिक जबरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पर सांसद निधि से होने वाले पेवर्स निर्माण का भूमि पूजन किया। सांसद सावित्री ठाकुर ने अभियान के अंतर्गत रात्रि विश्राम करते हुए नागरिकों और ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। गंधवानी नगर की प्रमुख समस्या जल है, जिसको दूर करने के लिए सांसद ने वादा किया है। गंधवानी से गौरव बर्फा की रिपोर्ट। देखो, ये प्रधानमंत्री जी का ग्राम स्वराज के तहत 14 अप्रैल से लगा के 5 मई तक का ये कार्यक्रम है और वहीं गांव में रात्रि विश्राम और वहां के गांव के लोगों के साथ बातचीत करना और जो सरकार केंद्र गवर्नमेंट के साथ जो योजनाएं हैं वो धरातल पे कहां तक पहुंची और लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाना और उन तक पहुँचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और जल संसद के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण, ये सब उसमें समाहित है और सभी चीज़ें आज हम ये कर रहे हैं। कल सफाई अभियान भी वहाँ हुआ था, मिंडा गांव भी आदर्श ग्राम में मैं रुकी थी। जगह जगह हर हर विधानसभा में मैंने एक एक रात्रि विश्राम किया है और सभी कार्यकर्ताओं से क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या संभावनाएँ और है और आगे हम उस गंधवानी के लिए और गाँव के लिए और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या भी है तो हम प्रयास ये कर रहे हैं। आज यहाँ का एक दो कार्यकर्ता, मेरे प्रतिनिधि और हम कलेक्टर से भी आज बात करने वाले हैं कि यहाँ की पानी की समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो। और इस जो आज ये हमने श्रमदान किया, मैं जब जब आऊँगी यहाँ गंधवानी के लोगों को कहूँगी कि एक घंटा या आधे घंटे हम सब जब जब आएंगे तब तब यहाँ श्रमदान के लिए देंगे और इस नाले का उद्धार, जो गंधर्व नदी है ये गंदी नहीं रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे और गंधवानी के लोग भी करेंगे मेरे साथ और सभी का इसमें योगदान रहेगा और ये नदी बड़ी सुंदर और साफ होगी।